रायगंज वासियों सुनो, आज तुम लोगों के सामने रामगढ़ से गब्बर सिंह आए हैं, मगर कुछ लूटने नहीं, तुमको समझाने आए हैं। सरदार, इन रायगंज वासी के लिए क्या संदेशा है सरदार? अरे सांभा जी सरदार, लॉकडाउन में कितने आदमी को एक जगह पर घूमने का इजाजत है रे? सात से नीचे सरदार। सात से नीचे? हाँ सात से नीचे, मगर यहाँ तो चार आदमी ही आदमी नजर आ रहा है। हाँ सुनो रे गजवासियों, सुनो, सरकार ने तुमको बहुत समझाया। समझाया? पुलिस आई, आई वो भी समझाया, फिर भी समझ नहीं आता। सुनो ठीक से, रायसामा जी सरदार, यहाँ इतना लोग कहे आता है रे? सरदार हमको तो लगता है ये सब बाजार करने के लिए आए हैं। बाजार? हाँ देखिए बाजार, बाजार करने। हाँ हाँ देखिए, हाँ बाजार करने। दिक्कत, यही से तो कोरोना फैलेगा। फिर रायगंज के आंगन आंगन में मौत की तांडव होगी। फिर कौन करेगा बाजार? कौन करेगा बाजार? रायगंज वासियों, हम तुम लोगों को कुछ बात समझाने आए हैं। हाँ कोरोना से बचना है तो कुछ बात अपने मन पर बैठा लो। बजे घर से मत निकलो। दो एक दफा बाजार आए तो कम से कम सात दिन बाजार मत आना। तीन सोशल डिस्टेंस बहुत जरूरी है, ये बात ध्यान में रखना। चार बार बार साबुन से अपने हाथ धोना और मास्क पहनना बहुत जरूरी है। पांच खुद को बचाना और अपने परिवार समेत रायगंज वासियों को बचाना। छह सरकार जो भी नियम का बात करे वो नियम का पालन करना, वरना कोरोना फैल जाएगी। तो क्या होता है देखो। আপনাদের সামনে এই সুন্দর একটি পতনালিকা রায়গঞ্জ পুলিশ ডিস্ট্রিক্ট তথা রায়গঞ্জ থানার পক্ষ থেকে ত্রিবেণী নাট্য সংস্থার এবং উত্তর দিনাজপুর
প্রেস ক্লাবের পক্ষ থেকে পেশ করা হলো। এই উপস্থাপনার মধ্যে আমরা আপনাদের কাছে এই বার্তা দিতে চাই যে আপনারা সবাই তারা যে গব্বর সিং, যে গব্বর সিং মানুষের মত চাইতো, আজকে সেই গব্বর সিং রাস্তায় নেমে আপনাদের কাছে চাইছে যে আপনারা সরকারি নির্দেশিকা মেনে চলুন, মাস্ক ব্যবহার করুন এবং হাত বারবার সাবান দিয়ে হাত ধুন এবং সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখুন, বিনা কারণে অযথা বাজারে বেরোবেন না এবং সরকারি নির্দেশ এই নির্দেশগুলো যারা নাম না মানবেন এবং আজকে গব্বর সিং এর যে বার্তা এটা যদি কেউ অমান্য করেন তাদের বিরুদ্ধে